नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है क्रिकेट से जुड़ी ताजा तरीन इंटरेस्टिंग खबरें। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कप्तान कोहली और टिम पेन के बीच में किस बात को लेकर के हुई गर्मा गर्मी। जी हाँ, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन भारतीय कप्तान विराट कोहली और ऑस्ट्रेलियाई कैप्टन कप्तान टिम पेन के बीच में कहासुनी हो गई। लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं, तो आइए जानते हैं आखिर क्या रहा मामला। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी के 48वें ओवर में विराट कोहली और टिम पेन के बीच में नॉकझोंक हुई, जिसमें विराट कोहली ने टिम पेन से कहा कि अगर वो गड़बड़ करते हैं तो 2-0 से बढ़त हो जाएगी। जिसका जवाब देते हुए ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन कहते हैं कि इसके लिए पहले तुम्हें बल्लेबाजी करनी होगी, और जोर से हंसने लगते हैं। यही नहीं, इसके बाद तीसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद भी इन दोनों खिलाड़ियों के बीच में नोकझोंक होते हुए दिखाई दी, जिसकी तस्वीरें आप नीचे देख सकते हैं। आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करें, इसमें कौन सही है और कौन गलत है। वैसे ऐसा ही एक वाकया आज दोपहर में भी हुआ, जब टिम पेन रन लेने की कोशिश कर रहे थे और भारतीय कप्तान विराट कोहली उनके सामने आ गए और अपनी जगह से नहीं हटे। दोनों ही कप्तानों के बीच में मैदान पर आंखों ही आंखों में इशारा हुआ। कप्तान कोहली ने साफ जता दिया कि वो इस मैच को हारने नहीं आए हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि पर्थ में खेले जा रहे मैच के बीच दोनों कप्तानों के बीच गर्मा गर्मी होना कितना सही था? क्या इसे स्लेजिंग कहना सही होगा? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके हमें अपने सुझाव जरूर दे, और ऐसी लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद।